मिट गई दूरियां, मैं यहां हूं। तुम छुपा ना सकोगी मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगी वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरा हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बान, मैं यहाँ हूँ। इंडिया ग्रैंड फिनाले सर पर है, पर आज विशु सर हमारे बीच नहीं है, और वो इसीलिए कि वो तब तक राजस्थान के दौड़ते ऊंटों के मसूड़ों की मालिश अपनी उंगली से करेंगे जब तक वो अगली सिंगर से गाने की रिकॉर्डिंग ना करवा लेते। इस डेकेड की मान्यता प्राप्त सिंगर सबसे खास सर्वगुण संपन्न शेजूती दास। बात है शिजूती, कविता जी कैसा लगा? अरे ये तो गाने तुम्हारे पर फिल्म होना चाहिए था, तुम ऐसे गा रहे थे जैसे यू आर द एक्ट्रेस। ऐसा लग रहा था कि और वो एक क्या कहते हैं
एक चुलबुली बोलते ना, चुलबुली एक एक्ट्रेस जो 17 साल ख़त्म कर कर 18 साल पे पैर रखी है, वैसे पर्सनालिटी, वैसी वॉइस, वैसे नॉटीनेस, वैसे मिस्चिफ एंड उतना सुर में, क्या बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू शिजुति। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, yeah.
क्या बात है पापा, कैसा लगा आपको? मैं क्या बताऊं, सोच में हूं क्या परफॉर्म करते हैं आप लोग कॉन्फिडेंस के साथ। थैंक यू सर। और दोनों गाने को इतना जबरदस्त निभाया है आपने जिसका जवाब नहीं है। थैंक यू सो मच। सोनाक्षी चमत्कार। थैंक यू मैम। इतनी खूबसूरत है तुम्हारी वॉइस और प्लेबैक के लिए इतना फिट है, और दूसरी बात जो भी तुमने अभी गाया ऐसा जैसे लग रहा था कि तुम्हारा अपना गाना है और तुमने ही ओरिजिनल गाया होगा। क्या बात, मैं भूल गई कि वो मेरा गाना है। सबसे कमाल की बात है सोनाक्षी, जो शायद कविता जी या उदित जी नहीं जानते, कि कोई भी सुर में आप अगर अभी गाना शुरू करेंगे तो हमारी सोनाक्षी बता सकती है कि उसका स्केल और की क्या है। ई माइनर में यही गाना गाओ या कोई भी, जो भी, कोई भी आप। हो गया है तुझको तो प्यार सजना, लाख कर ले तू इनकार सजना। क्या बात है, क्या बात है, कमाल कमाल। गॉड ब्लेस यू। सिंगर जब भी जाता है ना स्टेज पे तो हम बोलते हैं कि म्यूजिशियन दोस्तों को कहते हैं कि ये स्केल देंगे क्या, तो देते हैं तब मैं स्टार्ट करता हूँ। करेक्ट करेक्ट। लेकिन पहले सिंगर मैंने देखा सोनाक्षी को कि वो खुद अपना स्केल चुन सकती है। क्या बात सोनाक्षी, तुमने मौसम बदल दिया। परफॉर्म करने आ रही हैं आदर्श बेटी देवोश्मिता रॉय और साथ में एक स्माइल से चार दिलों का कत्ल करने वाले शिवम सिंह। मार मारे चोट लगेगी
खुश हो, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो मन का जोश जोश, नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, मत होश है तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, जजेस और ऑडियंस, मैं आपको बता दूं कि ये एक नॉन कंपेटिटिव एक्ट है। वाह वाह वाह, क्या बात है शिवम, क्या बात है देवस्मिता। लेकिन आज की शाम अधूरी होगी अगर कविता जी और मेरे पीवीपी ये गाना स्टेज पे आके हमारे लिए नहीं गुनगुनाएंगे। कविता जी प्लीज, मामा प्लीज आइए। चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जो बन का जोश जोश, नहीं तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, मर होश तू हर वक्त वक्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, आशिक है तेरा नाम नाम, आशिक है तेरा नाम नाम, दिल लेना देना काम काम, मेरी बाहें मेरी बाहें, मत थाम थाम, बदनाम है तू बद मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। क्या बात है कविता जी, और पापा के लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओ माय गॉड, इंडिया के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतते ही विराट कोहली ने हमारे शो में उनके गुप्ताचार अनूप दा को फोन करके क्या पूछा, यही कि कौन है विदिता का सीक्रेट दीवाना, कौन है जो कैंगरू की किडनियों पर लिख रहा है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, विदिता एचआर सर की ऑटो छोड़ उस ऑटो में बैठी जिसका भाड़ा कम था। 2 अप्रैल को होने वाले ड्रीम फिनाले में जिनके लिए अयोध्या से आएगा वो नौजवान जिनकी भैंस गर्मी में भी ठंड से ठिठुरती, विदिता चक्रवर्ती।
Vidipta, you've killed it. It is one of your finest performances of the season. Historic. अब तक मैं ये समझता था कि अगर सोनाक्षी या देवोस्मिता इस ट्रॉफी को जीतेंगे तो वो उसके हकदार होंगे, लेकिन तुमने मेरा ये जो दावा था उसको बदल के रख दिया. हिस्टोरिक सिंगिंग. ओह माय गॉड, फैंटास्टिक. और यही है हमारे सीजन 13 की ताकत कि जब भी लगता है कि ये विनर होना चाहिए तो दूसरा दावेदार आकर उस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को बदल के रख देता है. इसीलिए हमारे साथ के साथ इंडियन आइडल सीजन 13 के दावेदार हकदार हैं उस ट्रॉफी के. आउटस्टैंडिंग. ऋषि सिंह, क्या लगा तुम्हें तुम्हारी दोस्त विदिप्ता के बारे में? खतरनाक सर, खतरनाक. खतरनाक मतलब तबाह कर दिया तुम्हारे दिल को या लोगों की? लोगों के दिल को. तुम्हारे दिल को तबाह नहीं किया उसने? अरे हो गया सर, तबाह हो गया. तो तुम्हारा दिल तबाह हो चुका है विदिप्ता के परफॉर्मेंस. शेर कहना चाहूंगा. हाँ, शेर क्या है मेरे दोस्त? तो ऋषि कह रहे थे जी कि विदिप्ता की परफॉर्मेंस ने जी इंडियन आइडल में मचा दिया तहलका. तहलका. जितना अच्छा आज का परफॉर्मेंस था उतना ही था कल का. पानी कभी भी मत पीना नल का. और मेरे पीवीपी जिसको मिस कर रहे हैं उनका नाम है थैंक यू. और अब परफॉर्म करने आ रहे हैं देश का दुलारा ऋषि सिंह. तू भी कभी आवाज दे कहीं
पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा। पास वो आए तो छूके न देखो जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं Historic. Oh my God, and you can see the reaction. Oh my God, it is fantastic. Richie, तुमने कमाल कर दिया. और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, उदित जी, आपने इस गाने में जो जलवा किया था, उसका दूसरा अंतरा जो ऋषि ने नहीं गाया, वो हम अभी सुनना चाहते हैं. Oh joy, पापा के लिए तालियां. शर्मा वो गई, घबरा वो गई, मैंने जो उसको पुकारा, ये दिल ले लिया उसने कर दिया, आंखों ही आंखों में इशारा, जान भी जाए तो हम न करूं मैं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, आए तो झुके मैं देखो जरा, रुक जा ला 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 ला। आप लोगों का परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं थोड़ा हिला हुआ हूँ कि सब कमाल है. मतलब एक माला होता है ना, हीरे मोती जवाहरात सब जड़े रहते हैं उसके अंदर, ऐसा मुझे लगता है, कोई किसी से कम नहीं लगता है. कमाल गाया आपने. थैंक यू सर. मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. क्या बात है, मजेदार. क्या बात है ऋषि. कविता जी, मेरी आपसे एक शिकायत है. मेरे से क्यों आदित्य, आज तक ऐसा शिकायत नहीं किया तुमने. जी कविता जी, मुझे भी हाल ही में ये न्यूज पता चली है कि आपकी वजह से कोई भी लड़का या लड़की कार में रोमांस नहीं करता. क्यों किया आपने ऐसा? मुझे
प्लीज बताओ, मेरे शक्ल से घबराते हैं या मेरे नाम से घबराते हैं या मुझे लोग टीचर दीदी बोलते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं कविता जी, आपसे लोग बेहद प्यार करते हैं। लेकिन आपने एक गाना गाया था जिसके लिरिक्स ही यूं थे कि इनकार करना मुश्किल है, मतलब कार में रोमांस करना मुश्किल है। कविता जी दो लाइंस हो जाए प्लीज, डन हो जाए। इकरार करना मुश्किल है, इनकार करना मुश्किल है, महबूब से मोहब्बत का इजहार करना मुश्किल है, हो कितना मुश्किल है देखो इस दुनिया में दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना, ओ यारा दिल लगाना। क्या बात है कविता जी, कविता जी के लिए हाथ टूटने तक तालियां। और अब वो जो भर देना चाहती है अपने माता पिता का सीना विद प्राइड एंड जॉय, देवश्मिता रॉय। पीबीपी यानी पद्म भूषण पापा को जिंदगी में कोई गाना 100 से कम एक्सप्रेशंस के बिना गाते नहीं देखा है। मैं निकला गड्डी लेते गाते वक्त उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं। परदेसी परदेसी जाना नहीं के समय उनके एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं। पर उनको टक्कर देने आया है एक्सप्रेशंस का बाप। कविता जी, फेस्टिवल में 25,000 यूथ के सामने मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पे धमाके से नाचते हुए
उनके एक्साइटिंग एक्सप्रेशंस ये रहे। सुबह उठते ही ऋषि को देखकर कविता जी का मेरा पिया घर आया गाते वक्त इनके रॉन्ची एक्सप्रेशंस ये रहे। इस दुनिया में पेड़ की लकड़ी को भी कॉम्प्लेक्स देने वाले नो एक्सप्रेशंस की मिसाल चिराग कोतवाल। पापा आज आपने अपने पापा को याद कर लिया, मेरे दादाजी को याद कर लिया, अब मैं भी अपने पापा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। जब भी मेरे पिताजी का नाम लिया जाता है, जब भी उनका जिक्र होता है, तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि उदित जी की तरह मुस्कुरा के गाना सीखो। मैं कहता हूं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके द्वारा सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले मेरे पिताजी से ये सीखिए, जब कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो मुस्कुरा के थैंक यू कहना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको कोई भला बुरा कह रहा है, जब आपको कोई ये कह रहा है कि यार अपने गांव चले जाओ या तो वॉचमैन की नौकरी ढूंढ लो, जब आपको कोई ये कहता है कि यार अभी इंडस्ट्री में 50 सिंगर पड़े हैं, तुम्हारा नंबर कब आएगा,
उसके बाद मुस्कुराना आप मेरे पिताजी से सीखिए। ऐसे बहुत सारे कंटेम्प्रेरीज भी थे जिनके साथ इनकी बहुत ही तगड़ी कंपटीशन थी। उन्होंने भी पापा के बारे में बहुत कुछ कहा, पर्दे के पीछे भी, पर्दे के सामने भी, लेकिन किसी के साथ कंपीट करते करते उसकी वाहवाही करना और उसे प्यार देना अगर सीखना है तो आप मेरे पिताजी से सीखिए। आज म्यूजिक की दुनिया में जो भी पुरस्कार, जो भी इज्जत, जो भी सम्मान मिल सकता है वो मेरे पिताजी को मिला है, लेकिन उसके बावजूद वो कितने हम्बल हैं, ये ह्यूमिलिटी उनसे सीखिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो मुझे लगता है कि ये एक जो रीजन है सेपरेट्स द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट, वो ये है कि सब कुछ मिल गया, सब कुछ पा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि यार नानू, मुझे नानू बुलाते हैं पापा प्यार से, बोलते हैं यार नानू इस साल भी कुछ ज़बरदस्त गाना वाना मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा, ये भूख आप मेरे पिताजी से सीखिए। इन शॉर्ट, ऑलवेज स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टे हंग्री। अरे आई लव यू पापा। मैं कभी रोता नहीं हूँ यार, पता नहीं। और आज सबके सामने मैं पिताजी को एक पुरस्कार देना चाहता हूं। लाइए वो पुरस्कार, द वर्ल्ड्स बेस्ट डैड। पापा आप वर्ल्ड्स बेस्ट सिंगर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप वर्ल्ड्स बेस्ट डैड भी हैं। क्या बात है। एंड द अवार्ड गोज टू पद्म भूषण उदित नारायण। जब भी किसी सिंगर को अवार्ड मिलता है तो जो अवार्ड देने वाला होता है वो ये जरूर बोलता है, अरे उदित जी प्लीज सिंग टू लाइन सर, वी आर ह्यूज फैन ऑफ यू। तो पापा हो जाए। अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग हैं तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but you love me daddy, यूं तो है तू नन्हा सा है मगर गुरु सबका, और इसी शरारत से जिगर है तू सबका, कहने को है यूं तो हजार कोई मगर तुझसा कहा, अकेले हम अकेले तुम, जो हम तुम संग है तो फिर क्या हम, तू मेरा दिल मेरी जान, oh I love you daddy, तू मासूम तू शैतान, but I love you daddy, but I love you daddy, but I love you daddy. जोरदार तालियां मेरे पीपीपी के लिए। थैंक यू पापा।
सर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैं आपके ही गाने पे आपके साथ गुनगुना पाऊँ दो लाइन, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर। क्या बात? तो क्या आप मेरे साथ गाएंगे सर? क्या बात है, तो आप थोड़ा सा गाना सीख लीजिए और आप पापा को डांस सिखा दीजिए, हम भी सीख लेंगे। वो हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। हम दोनों हैं अलग अलग, हम दोनों हैं जुदा जुदा, एक दूसरे से कभी कभी रहते हैं हम खफा खफा। लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली, लड़की देखी मुंह से सीटी बजे हाथ से ताली। साला आइला उपमा आएगा पूरी आली आली, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी। क्या बात है, पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.